हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे फेमस नाश्ता में से एक फड़ा रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं चावल की फड़ा। जिसके लिए हमने एक कटोरी चावल लिए हैं, आधा कटोरी हमने चावल का आटा लिए हैं, एक चम्मच तिल लिए हैं सफ़ेद वाली, दो सूखी मिर्च लिए हैं, तीन बड़े बड़े चम्मच रिफाइन ऑयल लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक लिए हैं। अब एक गड्ढे परत वाली हमने थाली को लिए हैं, जिसमें डाले हैं चावल, अब उसमें डालेंगे नमक, चावल नमक डालने के बाद उसे 5 मिनट तक अच्छे से मिलाते रहें। जब वो काफ़ी मिल जाए उसमें डालें चावल का आटा। अच्छे से मिल जाने के बाद चावल में चावल का आटा डाल के उसे भी अच्छी तरह मिलाएं। दोस्तों, अगर ये ज़्यादा सूखा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, इसे आपको ज़्यादा गीला नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, इसे मसल मसल कर पूरी तरह चिकना बनाएंगे। दोस्तों, हमने फड़ा का आटा गूंदकर तैयार कर लिए हैं। अब हथेली में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा लोई को हम लेके इसे पतले पतले लंबे लंबे बना लेंगे फड़े को। दोस्तों, आप इसे पतला पतला ही बनाएं, पतला बनाने से ये बहुत अच्छा बनता है। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे बचे हुए चावल से बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। ऐसे ही करके हम लंबा लंबा करके सारे को बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने सारे फड़े को बना लिए हैं। अब इधर एक कढ़ाही गर्म करेंगे। कढ़ाही के गर्म हो जाने के बाद उसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल। रिफाइन अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद उसमें तिल और सूखी मिर्च डाल दिए हैं। दोस्तों, हमने ढक दिए इसीलिए क्योंकि तिल बहुत उड़ता है, इसीलिए। अब इसमें डालेंगे आधा छोटी गिलास पानी और इसे ढक्कन बंद कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, पानी पूरी तरह खौल रहा है। पानी में तिल को अच्छी तरह मिला देंगे तड़का को। अब इसमें डालेंगे फड़ा। फड़ा डालने के बाद उसे अच्छी तरह चला देंगे, थोड़ा ही चलाएंगे, जिससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो टूटने का डर रहता है। 1-2 मिनट के लिए हमने ढक दिए थे, 2 मिनट हो गया है। चलिए देखते हैं कैसा है। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गया है। अब इसे हम अच्छी तरह पलट देंगे। फिर से इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों, ढक्कन हटाने के बाद हमने सारे फड़े को पलट दिए हैं। हमारा फड़ा कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे साथ कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर से इसे हम पलट देंगे। दोस्तों, आप इसे जब भी पलटे हल्के हाथों से पलटे, नहीं तो ये टूट जाएगी। मैं
मैंने इसे थोड़ी देर ज़्यादा रखे हैं क्योंकि ये कुरकुरी बने कुरकुरे फरे बहुत अच्छा बनता है। दोस्तों ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। फरा मेरा पूरी तरह बन के तैयार हो गया है। अभी हम इसे गैस बंद करके उतार लेंगे। अब इसे हम सर्व करेंगे टमाटर चटनी के साथ, टमाटर धनिया वाली चटनी के साथ हम सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा चटनी और फरा दोनों तैयार है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।